क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। वो लोग कभी मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि वो मंदिर की और धर्म की राजनीति करते हैं, शमशान की राजनीति करते हैं। मेरे समझ नहीं आता मेरे को कि वो लोग इतने सालों के बाद भी मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया में इंसान पहले हुआ है और जातीय धर्म की रचनाएं इंसानों ने की है। जब अभी हम अगर देखें, लगभग 550 साल पहले दुनिया को सिख धर्म मिला, लगभग अब से 1400 साल पहले दुनिया को मुस्लिम धर्म मिला, इस्लाम, अब से लगभग 2000 साल पहले दुनिया को ईसाई धर्म मिला, अब से लगभग 2500 साल पहले दुनिया को बौद्ध व जैन धर्म मिले, अब से लगभग 4000 साल पहले दुनिया को सनातन धर्म मिला। तो इंसान तो उससे पहले भी था, फर्क सिर्फ इतना उस वक्त ना जाति थी ना धर्म था, लेकिन इंसान था। धर्म की रचना इसलिए की थी कि ताकि लोग कुछ रूल रेगुलेशंस के तहत बंध जाएं, कोई ताकतवर व्यक्ति किसी कमज़ोर को ना सताए। लेकिन ये नहीं सोचा था उस वक्त कि हम जिन धर्मों का निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि लोग रूल रेगुलेशंस में बंधे, कोई किसी कमज़ोर को ना सताए, कल को उसी का इस्तेमाल करते हुए कुछ चराक लोग देश में जाति और धर्म के नाम पे लोगों को इस तरह लड़ा देंगे, इस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए इसका भेजा इस्तेमाल। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है, हम इसका खंडन करते हैं। और लोगों को वास्तव में देखिए, धार्मिक आस्था एक पर्सनल इशू है, वो आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, अपने मन में रखिए आप किसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन ज़मीन के टुकड़े पे धार्मिक स्थल बनाने की लड़ाई में हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, ये बिल्कुल गलत है। उसकी बजाय आपने गलत नहीं कहा, सही कहा है, हमें अच्छे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, हमें अच्छे कॉलेजेस की ज़रूरत है। हमारे बच्चे जितनी संख्या भारत में, उस हिसाब से कॉलेज नहीं है, उस हिसाब से हॉस्पिटल नहीं है। ऐसे स्थलों पर अगर हॉस्पिटल कॉलेज बनवा दिए जाएँ और उसी के अंदर अगर सभी धर्मों का हर हॉस्पिटल के हर कॉलेज के अंदर एक पोर्शन छोटा सा सभी धर्मों की आस्था के लिए बना दिया जाए, ताकि स्टूडेंट कॉलेज में जाए, अपना क्लास में जाने से पहले वहाँ अपना मत्था टेक के अपना क्लास में चले जाए, हॉस्पिटल गए इलाज कराएं, वहीं एक पोर्शन बना दिया जाए, वो वहीं पे अपना मत्था टेक के अपना इलाज कराएं। तो मैं समझता हूँ ये इस तरह के इशूज जो जानबूझ के राजनीति के लिए पैदा किए जाते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान लोगों को नहीं देना चाहिए।